हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज की हमारी स्टोरी है लिहाफ। सो ये स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में जो हमारे राइटर हैं इस्मत, वही नैरेटर हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। जब वो बच्ची थी उसका एक्सपीरियंस वो शेयर करती हैं। अब क्योंकि उनका बिहेवियर टॉम बॉयज टाइप था थोड़ा सा, तो और वो बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह करती थी लड़कों के साथ, और उनकी काफ़ी मेल फ्रेंड्स भी थे। और मतलब लड़कियों वाली कुछ उनमें खास चीज़ें थी नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि टॉम बॉयज थी थोड़ी वो। तो उनकी जो मदर हैं वो छोड़ देती हैं उन्हें अपनी अडॉप्टेड सिस्टर के पास, जिनका नाम है बेगम जान। जान जो हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत गरीब हैं, और उनकी शादी हुई है जस्ट अभी नवाब साहिब के साथ, जो उनकी उम्र से काफ़ी बड़े हैं। और काफ़ी इनकी जो रेपुटेशन है सोसाइटी में बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इनकी आदत, मतलब सोसाइटी में ऐसा नाम है कि ये प्रोस्टिट्यूट्स जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। इनका कैरेक्टर बिल्कुल पाक साफ है इस वजह से। लेकिन इनके एक बहुत ही मिस्टीरियस सी हॉबी है, एक बहुत ही अजीब सी हॉबी है कि इन्हें फेयर फेस, थोड़े गोरे लड़के जिनकी कमर बिल्कुल पतली सी हो, उनके आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है। और इस मैरिज से, जो बेगम जान और नवाब साहिब की जो मैरिज है, इसी से नैरेटर रीडर्स यानी कि हम लोगों को ये बताना चाहती है कि उस टाइम पे कैसा कल्चर था। एक अनमैच मैरिज होती है और एक अनफुलफिल सेक्सुअल डिज़ायर्स की मैरिज थी वो। जो नवाब के जो घर था वो बहुत ही हरा भरा रहता था रिलेटिव्स से, और वहाँ पे काफ़ी रिलेटिव्स आते जाते रहते थे। लेकिन जो उनकी नई नवेली दुल्हन थी बेगम जान, वो एक जगह बैठी रहती थी और अकेले बेचारी। और वो बिल्कुल ऐसे, नवाब उनके साथ ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि वो कोई फर्नीचर हो, यानी कि कोई कुछ खास उनसे बातचीत करते नहीं थे। वो नोटिस करती रहती थी कि कैसे नवाब के रूम में बॉयज़ आते जाते रहते हैं और वो बेचारी अकेली बैठी रहती थी, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो। इस वजह से वो एक नॉवल वगैरह पढ़ना शुरू करती है, लेकिन उनसे भी उसे कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि नॉवेल्स में होते हैं रोमांस वगैरह, और वही चीज़ तो उनकी लाइफ में थी नहीं, तो इसलिए वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो उनकी लाइफ ऐसी ही बेजान सी डिप्रेशन वाली चली रही होती है कि एकदम से एंट्री होती है रब्बू की। रब्बू जो हैं वो उनकी लाइफ में एक नई खुशियाँ ले आती हैं। नैरेटर हमें बताती है कि वो बिल्कुल समझ नहीं पाती कि क्यों रब्बू जो थी वो उनके ऑयल वगैरह मसाज करती थी, और ऐसा क्या मसाज करती थी कि बेगम जान के जो चीक्स थे वो एकदम ग्लो करने लगे थे वापस से, वो एकदम खिलखिलाहट में हो गई थी। 9 साल की लड़की यानी कि जो हमारी नैरेटर हैं वो ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करती थी कि कैसे जो रब्बू है उसके आने से, और वो कैसे मसाज वगैरह देती है, और उसके आने के बाद से बेगम जान की लाइफ एकदम चेंज हो गई है। क्योंकि बेगम जान पहले एक साइड में बैठी रहती थी, उदास सी रहती थी, और अब वो बोलती चालती है, बहुत खुश रहती है। नैरेटर हमें बताती है कि जब वो एक छोटी सी बच्ची थी तब तो उन्हें समझ में नहीं आया था इन दो औरतों के बीच का रिलेशन, लेकिन जब वो बड़ी हुई तब उन्हें समझ में आया कि इन दो औरतों के बीच में एक्चुअल में रिलेशन था क्या। और वो इस याद करती है उस टाइम पे कि बाकी सारी औरतें कैसे बेगम जान और जो दूसरी उनकी मेड है, सर्वेंट जो है रब्बू, उसके बारे में बातचीत किया करती थी। नैरेटर बताती है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था और सब ने लिहाफ यूज़ करने शुरू कर देते, लिहाफ मीन्स रजाई वगैरह यूज़ करने शुरू कर दिए थे। और एक बार रात की बात है, क्या होता था उस टाइम पे कि जब वो लोग गेम खेलते थे कार्ड का 11 बजे के करीब, तो नैरेटर सोने चली गई थी, लेकिन बेगम जान का जो लिहाफ है जब वो अचानक से बहुत ही रफली इधर उधर हिलने लगता है, ऐसे जैसे कि उसके अंदर कोई बड़ा सा एलिफेंट आ गया हो, और बहुत ही डर के मारे नैरेटर बेगम जान का नाम पुकारती हैं। तो बेगम जान उन्हें कहती है कि कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई चोर वोर नहीं आया, तो तुम टेंशन मत लो, सो जाओ। और ये चीज़ सुन के
नैरेटर जो है वो सो जाती हैं और सुबह ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कि उन्हें कुछ याद ही नहीं, क्योंकि वो तब वो छोटी थी तो उनको कुछ ऐसा वो ध्यान भी नहीं रखती थी, वो नॉर्मली रहती थी। सो ये सिलसिला ऐसे ही कुछ चलता रहा कुछ रातों तक, कि हर बार उसको ऐसा लगता था कि कोई है रूम में, कोई आ गया है, लिहाफ के अंदर कोई है, लेकिन जब बेगम जानू ने कह रही थी कि सो जाओ तो वो नॉर्मल होके सो जाती थी बिल्कुल एकदम जैसे कि हाँ ठीक है अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये इवेंट जो है ये बहुत ही गंदा टर्न तब ले लेता है जब एक बार रब्बू को अपने बेटे के पास जाना पड़ा, क्योंकि उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। तो जिस रात वो गई उस रात बेगम जान की बहुत ज़्यादा कमर पूरी बॉडी में बहुत गंदा दर्द होता है, और ताकि वो थोड़ा सा बेटर फील करे इसलिए जो नैरेटर है वो उन्हें बोलती है कि चलो मैं आपकी मसाज कर देती हूँ। तो बेगम जान कहती है ठीक है। तो जब वो स्टार्ट करती है मसाज करना तो वो बताती है कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने उन्हें किसी ने जकड़ लिया हो, उन्हें किसी ने पकड़ लिया हो, और वो उन्हें बहुत गलत प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में भी टच करती हैं बेगम जान। और यहाँ पे नैरेटर आयरनी बताती है कि नैरेटर की मदर ने बेगम जान के पास इसलिए भेजा था ताकि वो लड़कों से दूर रहें, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो बेगम जान है वो खुद उनके साथ इतना गलत काम करेंगी। लेकिन फिर रब्बू वापस आ जाती है नेक्स्ट डे और बेगम जान का मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है, और जो एक्टिविटीज़ लिहाफ के अंदर होती थी, रजाई के अंदर होती थी, वो वैसे ही चल रही थी। तो एक रात नैरेटर बहुत ही हिम्मत करके सोचती हैं कि जो मूविंग एलिफेंट है इसको देखूंगी कि भाई ये होता क्या है, और वो बहुत ही हिम्मत के साथ बहुत ही हालांकि उनको डर लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई चोर आता है रात में, लाइट्स ऑन कर देती है। तो जैसे ही वो लाइट्स ऑन करती हैं तो लिहाफ के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो एकदम रिवील हो जाती हैं, और उनके मुंह से सिर्फ निकलता है अल्लाह, और वो सरप्राइज और शॉक में हो जाती हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी लिहाफ, जो कि एक नॉर्मल इंसान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में है और इस बारे में है कि कैसे अनमैच मैरिजेस होती थी। आई होप कि मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट सो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी इसका रिप्लाई करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।